महानगर के वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है। कई वार्डों में गंदगी होने के कारण लोग नगर निगम विभाग को जमकर कोस रहे हैं। नगर निगम वार्ड में साफ सफाई को लेकर लाख दावे कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग अपने वार्डों में गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। वार्डों की इन्हीं समस्याओं को लेकर लगभग एक दर्जन से ज्यादा विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने सोमवार को नगर निगम गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षदों ने नगर निगम के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। पार्षदों का कहना है कि वार्ड में काम कराने को लेकर निगम से पार्षदों के लिए धन अवमुक्त नहीं कराया गया है, जिसके कारण वार्ड के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद साहब अंसारी ने कहा, हम लोगों को ये पार्षदों को लगभग एक साल हो गया है। जनता ने ये सोच करके पार्षदों को चुना कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा, एक सरकार में विकास होगा, लेकिन इतिहास में पहली मर्तबा नगर निगम में फंड नहीं है विकास कार्य के लिए। सड़क नाली खड़ंजा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज साल भर लगभग हो गए, किसी भी पार्षद को 10 रुपया अभी क्षेत्र में विकास के लिए नहीं मिला है और ये सबसे निकम्मी सरकार है, क्योंकि रोड मेन रोड पे या और कहीं काम कराने से मतलब नहीं है। जनता गली कूचे में बसती है, वार्ड में बसती है और वार्ड में गली कूचे में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है इस सरकार में। सारे लोग यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी परेशान है और सभी पार्षद सत्रह वार्ड में कहीं कोई काम विकास कार्य नहीं हो रहा है। और अभी तमाम भाजपा के पार्षदों ने इस्तीफा भी दिया है, भाजपा के पार्षदों का बयान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है कि क्षेत्र में वार्डों में महानगर में विकास कार्य हो। अब पैसे ना होने की वजह से नगर निगम कंगाली के उस पर खड़ा हुआ है। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग यही धरना दे करके नगर निगम का गेट बंद करेंगे और किसी भी नगर निगम के अधिकारी को उसको एसी में बैठने नहीं देंगे। ये हम पार्षदों का निर्णय है।